सोलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेमेस्टर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSCL के बारे में, जिसे आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते होंगे। फिलहाल 302 के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखिए, इसमें थर्सडे के दिन करीब 2% गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अच्छा खासा 390 का हाई बनाया था, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। क्या स्टॉक को बाइक कर लेना चाहिए और जिन्होंने इसको बाय करा है उनको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक को मैं करीब ₹40 से रिकमेंड कर रहा हूं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपको हमारे चैनल में वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस स्टॉक पे मैं करीब 50 से 60 वीडियो बना चुका हूं कम से कम, क्योंकि मैं करीब साल डेढ़ साल से इसको रिकमेंड कर रहा हूं। जब ये ₹100 के आसपास गया था, तब 90 के यहाँ पे इस साइड में ट्रेड करते देखने को मिल रहा था, तब भी मैंने कहा था इसको आपको यहाँ पे बाइक करना है, यहाँ पे मैंने रिकमेंड करा था इसको आराम से बाइक करें, आपको आराम से 300 तक जाते देखने को मिल सकता है। फिर देखते हैं, यहाँ करेक्शन आया था 270 के आसपास, तब मैंने कहा था आराम से इसको बाइक करें, 300 to 400 जाते देखने को मिल सकते हैं। 400 के आसपास गया था, वहाँ से करेक्शन आ चुका है। और मैं अभी भी बस इसको आपको यही कहना चाहूंगा, आपने इसको बाइक करके आराम से इसको होल्ड करिए, आराम से आपको 400 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं 2021 के अंदर ये 45 रुपये 42 के आसपास ट्रेड करता, तभी मैंने इसको रिकमेंड करा था। अगर इसके फंडामेंटल देखिए तो बहुत ही सही देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी जो है इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाने का काम करती है, और जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनके अंदर जो केमिकल यूज होता है, जैसे एक्साइड है हमारा जब होती है, उनके अंदर जो केमिकल यूज होता है उनकी कंपनी के अंदर, जो हिमाद्री स्पेशलिटी बनाने का काम करती है और पर्सनली खुद के भी बैटरीज बनाने लगी है भी। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि चार्जिंग स्टेशन भी स्टेब्लिश करने वाली है। इसका मार्केट कैप देखेंगे 14,472 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। बेसिकली कंपनी फ्यूचर सेक्टर से बिलोंग करती है। स्टॉक भी देखेंगे 38.9 का देखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादा हाई नहीं है। वहीं अगर आप इसके कॉम्पिटिटर देखेंगे तो आप देख सकते हैं SRF, PD लाइट गुजरात, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है। उसके हिसाब से अगर स्टॉक भी देखें 38 का बहुत ही सही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका ROC देखें, देख सकते हैं 13.71 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। वहीं अगर आप इसका सेल्स भी देखेंगे, दिसंबर 2020 में 467 था, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 1053 हो चुका है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 41 से बढ़कर 174 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और सेल्स भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही सही बात है। वहीं अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो जो मार्च 2012 में 0 था, जो कि फिलहाल मार्च 2023 में 34 हो चुका था। अच्छा खासा कैश फ्लो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। वहीं अगर आप शेयर पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 45.43 थी, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 44.79 हो चुकी थी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी, पर फरवरी में देखें तो वापसी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही सही है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं अगर FIs के लिए फोर इन्वेस्टर की 0.71 थी, जो कि देखते हैं 4.83 हो चुकी है, तो यहाँ फोर इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। DS की 0.02 थी, जो कि फिलहाल 0.57 हो चुकी है। DS भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की 53 से घटकर 44.31 हो चुकी है। तो ओवरऑल शेयर पैटर्न का बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। प्राइस देखें तो प्राइस इसका बहुत ही सही देखने को मिल रहा है। तो मैं तो बस आपको यही कहना चाहूंगा, आपने इसको ऊपर की प्राइस पे बाइक कर लिया तो आराम से इसको आप होल्ड करिए, और अगर आप इसको बाइक करने की सोचे तो आराम से इसको 280 के आसपास रिकमेंड कर सकते हैं। पूरा पैसा एक बार मत लगेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाइक करते रहेगा, जिससे स्टॉक गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी और आराम से इसको होल्ड करेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको अगर आप होल्ड करेंगे 5 साल के हिसाब से, तो आराम से आपको 4 डिजिट के अंदर जाते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से होल्ड करेंगे तो आराम से आपको 400 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।